मडियाहू में तहसील के सभी पत्रकार संगठनों ने एकजुट होकर पत्रकार को दबंगों द्वारा पिटाई किए जाने के मामले में उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी मडियाहू को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में दबंगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। शनिवार की शाम लगभग 3:30 बजे एक न्यूज चैनल के पत्रकार राहुल यादव अपने मौसेरी बहन के विवाद को लेकर बहनोई के साथ समझौता करने के लिए रामपुर थाना क्षेत्र छांगापुर गांव गया हुआ था, जहां पर एक साजिश के तहत पत्रकार राहुल को जमालापुर पुलिस चौकी के सामने एक दुकान पर बुलाया गया। दुकान पर पहुंचने के बाद वहां बैठे पट्टी गांव निवासी मनीष सिंह और मुकेश सिंह बहनोई के विवाद को लेकर लात घुसा एवं सीने पर चढ़कर पत्रकार के जमकर पिटाई की, जिसके बाद पत्रकार राहुल ने थाने पर पहुंचकर दो लोगों को नामजद करते हुए आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट एवं अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। रविवार की सुबह घटना की जानकारी जैसे ही मडियाहू तहसील के पत्रकारों को हुई, दबंगों के प्रति पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके बाद रविवार को तहसील परिसर में मडियाहू तहसील के सभी पत्रकार संगठन एक होकर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उप जिलाधिकारी मडियाहू लाल बहादुर एवं क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पत्रकारों ने आचार्य से मांग की है कि आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजने का कार्य किया जाए और उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्यवाही की जाए। पत्रकारों को जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि आरोपियों को जमानत नहीं दी जाएगी। उसके बाद पत्रकारों ने बैठक कर दबंगों द्वारा न्यूज चैनल के पत्रकार राहुल की पिटाई करने की कटु निंदा की है। पत्रकारों ने बैठक में निर्णय लिया कि जब तक आरोपियों के ऊपर संगीन धाराओं में कार्यवाही नहीं हो जाती, जरूरत पड़ने पर धरना प्रदर्शन एवं अनशन जैसे कार्य करेंगे। इस मौके पर पत्रकार शादाब अंसारी, अफान हाशमी, जेडी सिंह, राजेश पांडे, विपिन कुमार दुबे, अरविंद दुबे समेत कई पत्रकार मौजूद रहे। ठीक है, ठीक ठीक।